अरे मोदी जी दिल्ली में, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। 2 तारीख को दिल्ली जा रही है। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाओ। बंगाल में परिवर्तन की मुक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, बंगाल के सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, हमारे सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार जी, हमारे सांसद सौमित्र खान जी, श्री सुजीत अगस्त्य जी, विवेकानंद पात्र जी, पार्षद जी कुंडू जी, निर्मल कर्माकर जी, गणेश मिश्रा जी, चंद्रशेखर जी, और आज इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, यहां पर 6 प्रत्याशी है, 4 प्रत्याशी है। विष्णुपुर के तन्मय घोष महाशय आगे आइए। अरे तन्मय आगे आओ, ऐसा नहीं है, आगे आओ यहां। तन्मय घोष, बंदोई के अमरनाथ शाखा, हमारा बाबू आगे आइए आप। कसूरपुर के हरकाली पाटीहार, और इंदर के निर्मल धारा, देखे भाई, जय श्री राम अकेले बोलने से नहीं चलेगा। बांकुड़ा और विष्णुपुर में 12 प्रत्याशी है, 12 कमल है, 12 कमल। मुझे एक बात बताओ, 12 के 12 कमल खिलने चाहिए, टीवी का खाता नहीं खोलना चाहिए। 12 के 12 कमल खिलाओगे क्या? जो तुम्हें खिलाओगे क्या? दीदी को जीरो में आउट करोगे क्या? पक्का? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। मित्रों, आज मैं विष्णुपुर की महान धरती पर आया हूं। ये विष्णुपुर की धरती मंदिरों की धरती है। राजमंच, जोर मंदिर, राम माधव मंदिर, कलाचंद मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा गोवन मंदिर, श्यामराय मंदिर जैसे कई विश्वविख्यात मंदिर इसी भूमि पर है। अगले सारे मंदिरों की किसी ने देखभाल नहीं करी है। करी है दीदी, बताइए, आप लोग बताइए, करी है क्या? करी है? अरे आप भाजपा सरकार बना दो, 100 करोड़ रुपए से ये सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भूमि अनंतपाल बंदोपाध्याय और भूपेश्वर बंदोपाध्याय जैसे महान शास्त्रीय संगीतकारों की भूमि। इस भूमि को मां शारदा का आशीर्वाद था। ये भूमि एक प्रकार से पूरे बंगाल का ऊर्जा केंद्र वाली भूमि है। मित्रों, मैं इस भूमि पर आकर कहता हूं कि बंगाल में
दीदी के शासन में बंगाल का विकास नहीं हुआ। ये पूरे क्षेत्र के अंदर मैं जब जब भी आया, 2016 में आया, 2018 में आया, ये सौमित्र खान के प्रचार में आया था, बीच में भी एक बार आकर गया, आज भी आया हूं, मेरा नेटवर्क ही कट जाता है। कट जाता है, नहीं कट जाता है, आप लोगों का नेटवर्क कट जाता है, नहीं कट जाता है। इस सौमित्र खान आपको गारंटी देता है 2 मई को सरकार बना दो, टावर डालकर कभी मोबाइल बंद न हो, ऐसा नेटवर्क ये विष्णुपुर बांकुरा में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये बंगाल पूरे देश भर में विद्या का धाम माना जाता था और आज बंगाल की स्थिति क्या है, 1 लाख विद्यार्थी पर सिर्फ 13 कॉलेज है। कितनी कॉलेज है भाई, कितनी? 13, जोर से बोलो कितनी? आप मुझे बताओ, 13 कॉलेजों में 1 लाख विद्यार्थी पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं क्या? मित्रों, हमने 20,000 करोड़ रुपया ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड बनाया है, जो कॉलेजों को और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को बनाकर युवाओं को पढ़ाने का काम करेगा। और मित्रों, यहां पर कुटीर उद्योग, बड़जोड़ा का डेयरी उद्योग, बुनकरी, कांथी का मत्स्य पालन उद्योग, सारे उद्योग मृत प्राय पड़े, एक ही उद्योग चल रहा है, टोलबाजी का उद्योग चल रहा है, टोलबाजी का, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, आपका तो टोल चाहता है। मित्रों, हमने तय किया है के सारे लघु और मध्यम उद्योगों को 2% ब्याज से हम लोन देने का काम करने वाले हैं, सिर्फ 2% ब्याज से। मित्रों, हम परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार देंगे। ये बांकुड़ा और विष्णुपुर से लोग दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं। हम एक क्षेत्र को ऐसा बनाएंगे कि बांकुड़ा और विष्णुपुर का युवा यहीं रहकर, अपनी पत्नी के साथ रहकर, बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते अपने घर का पालन कर पाए, इस प्रकार का। मित्रों, हमने 10,000 करोड़ के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फंड से 900 सरकारी कॉलेज और 50 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाने वाले हैं। मित्रों, इतनी सारी माताएं और दीदी बैठी हैं, आप लोग माताएं बताइए, आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है ना, जरा बोलिए, लेना पड़ता है नहीं लेना पड़ता है? भाई, घर में सभी महिलाओं को टिकट लेना पड़ता है ना? हमने तय किया है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 2 तारीख के बाद पूरे बंगाल में किसी भी महिला को टिकट नहीं लेना पड़ेगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट। मित्रों, हमने तय किया है, बच्ची पहली कक्षा में जाए तब तक मेडिकल में दाखिला ले तब तक, और ग्रेजुएट हो तब तक किसी भी बच्ची की शिक्षा की फीस भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार भरेगी, माताओं बहनों को फीस भरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने सारे लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया भेजा है 3 साल से, देश भर के किसानों को 18,000 रुपया भेजा है, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिलती, क्योंकि दीदी इनके बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, वो कहती है पैसा हमें दे दो। क्यों भाई? आपके गुंडे के कट मनी के लिए दे दीदी, 25 पैसा आपको नहीं देंगे, 1 पैसा किसानों का है,
एक बार बंगाल का किसान नरेंद्र मोदी की सरकार यहां बना दे, 18,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये मछुआरों से भरा हुआ दो जिला है, हर मछुआरे को सालाना 6,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। मित्रों, किसानों को हर साल 18,000 के अलावे 10,000 रुपया हम देने का काम करेंगे। एमएसएमई को सिर्फ 2 रुपये में बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड पार्क हम करेंगे और जूट उद्योग को बढ़ाने के लिए भी हम 1500 करोड़ का आधुनिकीकरण का कार्यक्रम लाएंगे। ये तो मैं कह रहा हूं, भाजपा सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। मगर दीदी, आपके 10 साल हो गए, 10 साल आपने क्या करा बताओ भाई। पूछना चाहिए ना पूछना चाहिए बिशुनपुर वालों को, पूछोगे? अरे पूछने की जरूरत नहीं, टाइम गया दीदी का। आप मतदान के दिन 2 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, दीदी का खेल खत्म। साथी में कहता हूं, 2 तारीख को निर्भय होकर वोट करने जाइए, दीदी के गुंडे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई ताकत नहीं है दीदी के गुंडों की। चुनाव आयोग ने हर जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुंडों का टाइम खत्म हो गया है, अब बंगाल के युवा का टाइम आया है, युवा का टाइम आया है। इतने सारे युवा यहां बैठे, माताएं बैठी, मुझे बताओ भाई, अपने बंगाल में वसंत पंचमी के दिन स्कूल में सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा विसर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दीदी वोट बैंक की लालच में बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक लगाई हुई थी, बंगाल में सरस्वती पूजा पर रोक लगाई। बंगाली भाषा की बात करने वाले 3 शिक्षकों को गोलियों से भून दिया कि नहीं उर्दू में पढ़ाओ। क्यों भाई, क्यों पढ़ाए वो उर्दू में? हम उर्दू का विरोध नहीं करते, मगर बंगाली का पक्ष लेने वाले हम लोग हैं। मैं आपको बताता हूं, 2 मई को दीदी की विदाई कर दो, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को बंगाल में कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कोई नहीं। मित्रों मुझे बताओ, हमने कहा कि बंगाल का हर बच्चा उसको बांग्ला सीखनी होगी, आप सहमत हो या नहीं हो? बांग्ला में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? जोर से बोलो, पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? दीदी इसका विरोध कर रही है, उनको उर्दू में पढ़ाना है, उर्दू में। वोट बैंक के लिए बंगाली भाषा के सम्मान के साथ अब खेला नहीं होगा दीदी। बंगाल की जनता ने तय किया है, भाजपा सरकार आएगी और उसके बाद इंग्लिश मीडियम की स्कूल है तो भी बंगाली फरजियात पढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, बाबुल का तूफान आता है, बुलबुल का आता है, अम्फान आता है, मोदी जी 10,000 करोड़ रुपया भेजते हैं, आप लोगों के पास पहुंचता है क्या? पहुंचता है क्या? एक कोरोना का फ्री अनाज आपके घर में पहुंचा है क्या? अरे कौन खा गया बोलो भाई, कौन खा गया, कौन खा गया? ये टीएमसी के गुंडे
आपके रुपये और अनाज खा जाते हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, 2 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, सारे बंगाल के बाहर की टिकट कटवा कर बाहर चले जाएंगे। मित्रों, बाहर चले जाएंगे। अब बंगाल के अंदर ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और जो करके बैठे हैं वो समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अरे सुन लो भाई, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, 2 तारीख को कमल फूल की सरकार आने वाली है, एक SIT बनाकर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बम धमाके हो रहे, बंगाल में शांति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाजपा के 130 कार्यकर्ता को मार दिया, कल हमारे एक कार्यकर्ता को मार दिया, ये राजनीतिक हिंसा ठीक है क्या? ठीक है क्या? अरे जितने धमाके करने थे वो कर दिए दीदी के राज में, ये नरेंद्र मोदी का शासन आने वाला है, बम धमाकों करने वाले सुन ले, कहीं से भी आते हो आपकी खैर नहीं, खैर नहीं, पुलिस आपको सीधा जेल में डालने की काम करेगी। इतने सारे युवा दूर तक नजर पहुंचे तब तक खड़े, भाई ये बंगाल में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? युवाओं का रोजगार घुसपैठ ये छीन जाते हैं, वो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? गरीब का अनाज घुसपैठियों के पास चला जाता है, वो रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? मित्रों, हमने तय किया है 2 मई को भाजपा सरकार ला दो, आदमी की घुसपैठ छोड़ो, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, हमने तय किया है कि अर्ध सैनिक बलों में नारायणी सेना भी बनाएंगे, और ये बिशुनपुर के जो 7 बांध है, वो 7 बांधों के कुछ लिए कुछ नहीं करा ममता दीदी ने, ये हमारा सांसद बिचारा सौमित्र पत्र लख लिख लिख कर थक गया, एक भी बांध रिपेयर नहीं करा है। ये 7 बांध को रिपेयर करेंगे 5,000 करोड़ की लागत से, और 100 साल तक खेती होती रहे, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। हर महिला के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। मित्रों, इसके लिए 10,000 करोड़ की लागत से प्रतिबाड़ी परिष्कार जल फंड की हमने रचना करी है। मित्रों, मोदी जी ने 13 करोड़ माताओं के घर में, 13 करोड़ माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में शौचालय टॉयलेट बनाने का काम किया है। मोदी जी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली देने का काम किया है, और अब 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना का भी ये ममता दीदी आपका रोक कर बैठी है। ममता सरकार जाते ही 5 लाख रुपया हर परिवार को, गरीब परिवार को, हम आयुष्मान भारत योजना का अगर कोई बीमार होता है तो उसका खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। मित्रों, मेरा समय समाप्त हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, मगर ये सौमित्र चुनाव में ममता दीदी उसको आने नहीं देती थी, मैं यहां आया था, आपने इसको जिताकर भेजा है, और मैं आपको बताता हूं, मेरे 12 के 12 प्रत्याशियों को जिता देंगे तो हम 5 साल के अंदर ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं। मित्रों, सोनार।
और ये मोदी जी ही कर सकते हैं। ये ममता दीदी खेला होबे करेगी। मोदी जी कहते हैं विकास होबे। अब बंगाल की जनता को तय करना है, खेला होबे चाहिए या विकास होबे चाहिए। मुझे भरोसा है बंगाल की जनता को विकास चाहिए। मित्रों, घुसपैठिया मुक्त बंगाल, बम धमाकों मुक्त बंगाल, तुष्टिकरण के मुक्त बंगाल, ऐसा बंगाल जहां दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा बेरोक टोक हो पाए, ऐसा बंगाल जहां वर्षों पुराने मंदिरों का रख रखाव हो पाए, ऐसे बंगाल की रचना करनी है। आपका सहायता चाहिए, मगर 12 सीट ये कोई 50,000-60,000 लोगों से जीत पाते हैं क्या? बताओ, जीत पाते हैं क्या? जोर से बोलो, जीत पाएंगे क्या? अरे हाँ बोलने से मैं थोड़ी ना मान जाऊंगा, मैं बनिया हूं भाई। 50,000 लोगों से 12 सीट नहीं जीती जाती, तो करोगे क्या? सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति 50 लोगों को, भाई को, बहन को, बहनोई को, चाचा को, चाची को, मासा को, मासी को, काका को, काकी को फोन करेगा क्या कि कमल के निशान पर बटन दबाओ, फोन 50 फोन करना है? करेंगे? जोर से बोलिए, करेंगे? माताएं बताए, करेगी क्या आप? तो 50-50 फोन कर बंगाल भर में अपने सगे वालों को, दोस्तों को, सबको बताइए कि इस बार परिवर्तन करना है, मोदी जी की सरकार लानी है और दीदी को बाय बाय करना है। करेंगे ना? तो एक बार फिर से मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।